بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا شهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसके इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं, दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे। नाज़रीन, आप रॉयल न्यूज़ पे सहरी की खसूसी नशरियात रहमान रमज़ान देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद बहराम कादरी। और आप इस बात से बखूबी इल्म रखते हैं, आगाही रखते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि रोज़ आपके लिए सनाखां ऐसे लाएं, कवाल ऐसे लाएं कि जिनका कलाम आपको महजूस करे। और रोज़ाना इसके साथ साथ हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं, एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। और गुफ्तगू करने का मकसद यही है, इरादा यही है, नीयत यही है ताकि हमारे देखने और सुनने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा दीन का पैगाम पहुँचे। मुआशी मुआशरती समाजी सियासी और हर किस्म की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो सके। और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, बड़ा अहम मौजू है। हम देखते हैं मुआशरे के अंदर बहुत सी तबाहियाँ बर्बादियाँ इसकी वजह से होती हैं क्योंकि अक्सर शोबों में, अक्सर की बजाय अगर मैं कहूँ कि तमाम शोबा जात में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे झूठ ज़रूर बोला जाता है। और हम समझते ये हैं कि झूठ बोले बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारा काम नहीं चलेगा। तो आज हमने खसूसियत के साथ डिस्कस करना है झूठ की तबाहकारियाँ क्या है,
क्या कोई ऐसे मौके हैं जहां झूठ का सहारा लिया जा सकता है, और कुरान करीम में झूठ के हवाले से क्या अहकामात हैं, और वो लोग जो झूठ बोलने को अपना पेशा और शेवा बनाते हैं उनके बारे में शरीयत क्या कहती है, और क्या ये फ्रेज़ दुरुस्त है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह के और बहुत से खूबसूरत सवालात प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन चूंकि अभी तिलावत कलाम पाक आपने समाअत की, हाफिज़ असद कलंदरी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात की यकीनन जहां तिलावत की जाती है वहां नूर की छमा छम बरसात होती है, हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं, होस्टिंग के फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं, मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली क़मर फरीदी साहब। बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम। यकीनन इस खूबसूरत रहमतों और बरकतों वाले महीने में आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रहमान रमज़ान देख रहे हैं, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो झूठ है और झूठ की तबाहकारियाँ, झूठ के क्या असरात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और कुरान करीम में इरशाद बारी ताला भी है कि झूठे पर अल्लाह की लानत है बेशक, और सच्चों पर अल्लाह की रहमत है बेशक। तो रहमत कौन नहीं चाहता कि रहमत हो, जब रहमत होती है तो हालात संवर जाते हैं। इंसान की सबसे पहली तबाही ज़ुबान है, जब वो कोई झूठ बोलता है तो ज़ुबान की तबाहकारियाँ शुरू हो जाती हैं, और यही उसकी इब्तदा होती है उसकी ज़िंदगी की तबाहकारियों में, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को यकीनी तौर पर दूसरा झूठ भी बोलना पड़ता है। और बाज़ औक़ात हमारे रोज़मर्रा हर जगह पर ऐसा हो गया है कि कहीं भी हम बैठें तो किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, और बग़ैर सोचे समझे हम झूठ बोलते हैं। और इरशाद बारी ताला भी है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ते इंसान से एक मील की दूरी पर चले जाते हैं, एक मील की दूरी पर। अगर सोचा जाए कि जब इंसान का कोई प्यारा इस दुनिया से जाता है और उसका गम और उसकी तकलीफ़ का एहसास उसे होता है कि मेरा प्यारा चला गया, तो दो प्यारे जो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, अगर आपके एक छोटे से झूठ बोलने से वो आपसे इतनी दूर चले जाएं और आप फील करें कि वही जो आपके लिए अच्छा सोचने पर आपकी नेकी लिखते हैं और बुरा करने पर आपसे दूर हो जाते हैं, दुआ यही है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह करीम हमें इस जो झूठ जैसी आदत है इससे दूर रखे, आमीन, और झूठ को हमारी मजा में से भी ख़त्म कर दे, आमीन, क्योंकि इसकी भी बिशारत दी गई है कि जब इंसान मजा में भी झूठ नहीं बोलता तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं जन्नत में उसे एक घर अता करूं। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह इसी पर हम आज बात करेंगे कि इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं चाहता यही हूँ कि आज आगाज में ही ज़ुल्फ़िकार अली क़मर फरीदी साहिब कलाम पेश करें और आपके कलाम से ही सनाखानी का आज आगाज हो। जी मैं एक हमद बारी ताला से सुभान अल्लाह आगाज करता हूँ। अल्लाह अल्लाह बिगड़ सारे कम बनांदा अल्लाह माड़िया दी गल 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 बनांदा अल्लाह जीनत
رب سونا اونو حرم وکھا دا اللہ اے سارے آدھی گل منا دا اللہ اے سارے آدھی گل بنا دا اللہ اے ماڑے آدھی گل بنا سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے. تو ناظرین جس طرح پہلے آپ کے سامنے ہم نے آج کا اپنا موضوع رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن سچ بولتا ہے اور سچ بولنا ایک نیکی ہے اور وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا فسق ہے, گناہ کا کام ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور یہ جھوٹ اسے جہنم تک لے جاتا ہے. کذاب کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا, سب سے بڑا جھوٹا. یہ کذاب جھوٹے کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. اور جھوٹے کذاب کے حوالے سے ایک روایت اور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے, بغیر تحقیق کیے اسے آگے پھیلا دے. اور معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں اسی بات سے جنم لے رہی ہیں کہ ہم سنتے کچھ ہیں, اس کی تحقیق نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ہی دو باتیں ایڈ کی اور اسے آگے. یہ ہمارے معاشرے میں عادت بن چکی ہے ایسی, بے شک, کہ ہم اگر کوئی انسان دوسرے کو کوئی بات سناتا بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو طوالت دی جائے اور اس میں مزید کچھ ایڈ کر کے مرچ مسالے ایڈ کر. اگر کوئی ایسی خبر مل جائے اور اس میں تو پھر ہاں جی سنسنی خیز نام دے دیتے ہیں. اور ایسا شخص ہو جسے مرچ مسالے کا شوق ہے اس میں تو وہ بہت زیادہ مرچ مسالے لگا کے پیش تو کرتا ہے, لیکن آخر اس کے اثرات کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے. یہاں پہ ایک بادشاہ کا نا قصہ میرے ذہن میں آیا. ایک بادشاہ نے وزیر سے پوچھا باتیں بدلتی کیسے ہیں. اس نے کہا بات جتنی زبانوں پہ زیادہ جائے گی اتنی بدل جائے گی. اللہ, بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. اس وزیر نے کہا کہ آپ نے گول میز کانفرنس کا اہتمام کریں. سارے جو امرا تھے انہیں بلایا گیا اور وزیر نے بادشاہ کو صرف اتنا کہا کہ آپ دائیں طرف جو پہلا امیر بیٹھا ہے اس کے کان میں کہیں میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اور آگے بتا دے. اللہ, وہ سلسلہ چلتے چلتے جب واپس ادھر جو بائیں طرف بندہ بیٹھا تھا اس تک آیا نا, اس نے بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت سنا ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ, اس نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ وہ کہے اس نے. اور وہ بات گھومتے گھومتے ادھر آئے, مان بھی کوئی نہیں رہا
और जो जुमला था वो सारा बदल गया इस पे, कबल इसके कि हम इस पे मजीद गुफ्तगू करें कि एक झूठ के ऊपर फिर दोबारा झूठ बोलना अल्लाह एक रेगुलर आदत बन जाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा खास सेगमेंट कवाली का है, तो बड़े खूबसूरत कवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज अली खान कवाल व उनके हमनवा। मैं चाहूँगा कि आप सरकार की बारगाह में या रब्बुल आलमीन के बारगाह में हमदे बारी ताला से आगाज़ करें। है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का है। अल्लाहू 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 है, तू जो हर हाल में शान दिखा देता है, दीदारे
जमी जपना थी ये जहाँ जपना था चांद सूरज ना थे आसमां जपना था राज़े हक भी किसी पर आया जपना था पहुंचे महराज में अर्श तक मुस्तफा जब ना महबूब बंदे पढ़ता रहा सब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा तू ही तू अल्लाह 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 खिंचवाई तब ले तू भला तार पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा वाह 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 सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम अल्लाहु अल्लाहु जिक्र उस बारगाह रिसालत में जब इंसान बारगाह इलाही में होता है और उसको पुकारता है तो यकीनन वहाँ से कर्म होना शुरू हो जाता है। आज हमारा टॉपिक झूठ की तबाहकारी है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े खूबसूरत स्कॉलर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ तशरीफ फरमा है भी करवाया जाए साहिबजादा अलामा मोहम्मद अतीब शाकिर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इनकी जाने पहला सवाल लेके बढ़ते हैं, जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि झूठ बोलने वाला जो है वो एक तो है, एक आदमी ने उसको पता है कि वो जो बात कर रहा है वो वाक़े के मुताबिक नहीं, वो झूठ है। लेकिन हमने जो बात उठाई थी, इस बात पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, वो ये कि एक आदमी को ख़ुद नहीं पता कि सच है या झूठ, बस उसने सुना और उसी सुनी सुनाई बात को आगे फैला दिया और हदीस के मुताबिक उसे कज़ाब कहा जा रहा है। तो मैं अल्लामा साहब से जानना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक आप ये पैगाम पहुँचाएँ कि सुनी सुनाई बात को आगे करना चाहिए या नहीं, या उसके क्या तरीक़ाकार। कि इसमें हम ये भी ऐड कर लें कि झूठ है क्या, इसकी डिटेल में इसमें गुफ्तगू हो जाएगी। सलाम
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم پہلے میں پروگرام کی اس خوبصورت تھیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ مبارک کی خوبصورت ساتھوں میں خوبصورت پروگرام کا انتظام انسرام کیا اور ان کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد بہرام قادری صاحب کا اور ان کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد بہرام قادری صاحب کا جن کی وساطت سے میں بلو انی بلو آیا پر عمل کر رہا ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ اللہ رب العزت کائنات کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آج ہمارے ہاں دستور اور ماحول یہ ہے کہ جس کا تعلق کسی بڑی گدی نشین یا کسی بڑے بندے سے ہوتا ہے نا تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے فلاں بندے کے ساتھ میرا رابطہ ہے اور فلاں شخص کے ساتھ میرا تعلق ہے لیکن قربان جاؤں سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو اگر تم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ اب سچوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا کیا معیت جو ہے وہ رنگ چڑھاتی ہے تو جب انسان سچے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو ہمیشہ سچی بات کرے گا جس طرف مفتی بہرام صاحب نے اشارہ کیا کہ سنی سنائی بات وہ کر دینی چاہیے یا نہیں کر دینی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بندہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اگر جہاں پر منافق کی نشانیوں کو بیان کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا محدث جنہوں نے بہت ساری تعداد میں کام کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں شافعی کا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ سچ بولے ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ اسے رسوا کر دے اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمارا اور حوصلہ بڑھاتی ہے میرے کریم نے ارشاد فرمایا لوگو اگر سچ تمہیں نقصان پہنچا جائے تو کل قیامت کے دن وہ نقصان محمد عربی سے اللہ اللہ اور قربان جاؤں امام اعظم امام الائمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ انسان کو اور حدیث شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سچ ہمیشہ انسان کو نجات ہی دلاتا ہے اور جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے ایک صحابی جنہوں نے نو مسلم تھے نیا نیا کلمہ پڑھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام نیکیاں نہیں کر سکتا نماز میں مستقل نہیں پڑھ سکتا میں شراب پیتا ہوں تو شراب میں نہیں چھوڑ سکتا میں گناہ کرتا ہوں ان گناہوں میں سے میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں حالانکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ تھا شراب پینا بہت بڑا گناہ تھا اسی طرح اور بھی اس کے معمولات تھے لیکن میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ان میں سے ایک چھوڑ دینا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو اس کے صدقے سے باقی سب کو بھی چھوڑ دے گا میرے کریم نے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یا شراب چھوڑنے کا حکم نہیں دیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نو مسلم اے میرے صحابی تو ایک کام پتہ ہے کیا کر تو آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دے جھوٹ بولنا چھوڑ تو دے میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اس کی وساطت سے تو سچ بولنا شروع کرے گا نا تو اللہ رب العزت تجھ سے تمام برائیوں کو دور فرما دے گا سبحان اللہ اور یہاں پہ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ شراب پینے لگا تو اس کے ذہن میں خیال ہے میں نے تو وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا صبح اگر کسی نے پوچھا تو میں کیا کہوں گا تو اس نے شراب چھوڑ دی نماز کا وقت آیا دل کیا نہ پڑھوں پھر ذہن میں خیال آیا اگر پوچھا نماز پڑھی ہے تو میں کیا کہوں گا تو پھر اس طرح کر کے وہ ساری جو اس نے برائیاں تھیں وہ ترک کر دیں اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی اور وہ سوال بڑا دلچسپ ہے وہ یہ ہے اچھا جی ہمارے معاشرے کے اندر جو امیر ہے اسے سچا سمجھا جاتا ہے اور جو غریب ہے اسے جھوٹا سمجھا جاتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں یہ بالکل حقیقت کے قریب
बात आप कर रहे हैं कि ये माशरे में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि छूटे इंसान की जो छूट होता है उसको छुपा उसकी दौलत देती है। इसी माशरे में इस वक्त है कि जिसके पास दौलत है वो चाहे जो मर्जी कह दे, चाहे वो सियासतदान है, चाहे कोई भी है, लेकिन उसकी बात को तस्लीम किया जाता है क्योंकि उसके पास दौलत है, उसके पास ताकत है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर सच्चा इंसान जो है वो जब कोई झूठ बोलता है तो उसके पीछे कोई अच्छा मकसद हो सकता है। इस पर मैं भी बात डिटेल में अलामा साहब से करूँगा कि क्या ऐसा झूठ बोलना जायज़ है जिसकी पसे मंज़र में कोई अच्छाई हो, क्योंकि झूठे इंसान का तो झूठ आग लगाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन एक अच्छे इंसान के लिए, सच्चे इंसान के लिए कोई ऐसा झूठ बोलना पड़े उसे कि जिसका पसे मंज़र कोई अच्छा मकसद हो, तो क्या कहेंगे इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी डिटेल। आज हमारे जहनों के अंदर जो सवालात आते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता कि हमारे सवालात का ख्याल और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका इल्म ना हो। बेशक तो जो सवालात हमारे माइंड्स में आज आ रहे हैं ना, तो मेरे करीम ने इसका हल पहले ही फरमा दिया। एक हदीस शरीफ के अंदर ये लफ्ज मिलते हैं कि अगर कोई बंदा दो बंदों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोई ऐसी बात कर देता है कि उससे कह देता है फलां शख्स के साथ तेरा मामला ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वो तेरे बारे में तो बड़े आसन कलेमात कह रहा था, अगर इतने कलेमात कह देता है तो अब दूसरे बंदे के पास जब जाता है, क्योंकि जब जिसके सामने अच्छाई के साथ किसी का तज़किरा किया जाएगा तो बंदा बा कमाल हो और बा ज़मीर हो, ये हो नहीं सकता कि उसके सामने किसी का अच्छा तारुफ करवाया जा रहा हो और फिर वो उसके बारे में अच्छाई ना कहे। तो जब वो उसके बारे में फिर अच्छाई कहेगा अब तो वो सच बन गया, अब दूसरे बंदे को जाके बताएगा फलां शख्स आपके बारे में ये बात कर रहा था, हालांकि पहले उसने नहीं की होगी। जब उसकी ये बात सुनेगा वो भी कहेगा हाँ यार, अगर वो मेरे बारे में अच्छे तासुरात रखता है मैं भी उसके बारे में अच्छे तासुरात रखता हूँ। और दूसरा मकाम मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कहीं तलाक का कोई मामला बन रहा हो ठीक है, तो वहां भी सुलह करवाने के लिए अगर कोई थोड़ी सी बात कह दी जाए तो उसकी इजाजत है। यानी कि जान भी किसी का होता है, किसी की जान जाने का खतरा, जान बचाने के लिए जान बचाने के लिए बिल्कुल मौजूद है। बल्कि मैं यहाँ एक बात ये भी ऐड करूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से बात करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए भी ऐसे जुमले बोल सकता है। वाह, ये तो आपने आज हमारे नाज़रीन देखने वाले जो है उनके लिए बहुत अच्छी, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और ये जरूरी भी है, आप भी माशाल्लाह आन करीब एक खूबसूरत बंधन में बनने वाले हैं, तो तारीफें जो होती हैं वो इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी होती हैं। तो बिल्कुल ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं, और ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये गुरु जो हैं अच्छे से, जिसमें इंसान ऐसा झूठ बोले जिससे इंसान की सेहत बन जाए, इंसान की जान बच जाए, कोई बेहतर मकसद के लिए हो। असल में देखिए ना, जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त दी गई उसके अंदर हिकमत यही है, मसलहत के पेश नज़र जी। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी मसलहत मियाँ बीवी के दरमियान वो जो गुफ्तगु है, जो उनका ताल्लुक है, सबसे बड़ी मसलहत यही है। और शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो हिकायत मेरे जहन में आ रही है कि नौशेरवां बादशाह ने किसी को सजाए मौत का हुक्म दिया। वो बेचारा जो ग़ुलाम था उसने जब सुना मौत का परवाना, उसने ना बादशाह को गालियाँ देना शुरू कर दी। तो बादशाह ने कहा, ईचे मिगोयत, ये क्या कहता है? तो एक वजीर ने कहा, ये कहता है वल काजिमीन अल गैज़ा वल आफीन अनिन्नास, कुरान की आयत पढ़ दी कि जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ करते हैं अल्लाह उनसे दोस्ती रखता है। बादशाह ने जब ये आयत सुनी ना और बादशाह खुश हुआ, उसने कहा इसे आजाद कर दो। साथ एक वजीर और खड़ा था, कुछ लोग होते हैं ना उन्हें सच बोलने का हैजा होता है, सच बोलने का हैजा होता है। उसने कहा कि वजीरों को ये शेवा नहीं कि बादशाहों के सामने झूठ बोलें। बादशाह ने कहा क्या हुआ? तो वो वजीर कहने लगा, इस गुलाम ने आपको गालियां दी हैं और ये दूसरा वजीर उसकी तारीफ कर रहा है। तब बादशाह ने कहा, वो सच जिससे शर फैले, इससे बेहतर वो झूठ है जिसमें मसलहत हो। और बादशाह ने उसे आजाद कर दिया था। तो हमें मसलहत के पेशे नजर चाहिए ये बात को गोल करे। और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला उनके पास एक बंदा आया और उसने आकर कहा, फलां शख्स ने आपको आपके बारे नजेबा कलिमात कहे,
आप रोने लगे। वो हाथ बांध के बैठा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? कहा उसने बुरा है। आपने कहा बात ये है, उसने तीर चलाया था हवा में, तुमने पकड़कर मेरे सीने में चुभो दिया है और पूछ रहे हो रो क्यों रहा हूं। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी है और इसमें आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। यकीनन हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में झूठ तो बोलते हैं, लेकिन इससे जितना बचा जाए जी उसमें ही बेहतरी है और आखरत के लिए भी। इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सनाखा मौजूद हैं, तो उनसे मुल्तमी से अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करें। मोहसिन हसन नक्शबंदी साहब से जी करता हूँ, अपने मखसूस अंदाज में लजपाल आका अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। और बढ़ाने के
ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। और बहुत खूब किसी ने कहा कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। बुलावे के बगैर नहीं को जा सकता और जब तक बुलावा ना हो कोई नहीं जा सकता, ये उनका कर्म है। देखे ना 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम आ रहे हैं, और जो एक दफा आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। नहीं ये जो मासूम है वो एक दफा आ रहे हैं और दोबारा नहीं आएंगे, और आसी बार बार बुलाए जा रहे हैं, बार बार बुलाए जा रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि उस बारगाह में हम बार बार जाते हैं जहाँ फरिश्ते एक बार आते हैं और फिर दोबारा कभी बारी नहीं। दुआ है अल्लाह करीम इस माह रमजान की बरकतों से हमें जल्द मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, और उस बारगाह रिसालत की शान है यकीनन वो वराउल वरा है। और मैं चाहूँगा कि इसी पर हम हजूर की शान पर खूबसूरत कलाम लें। हमारे साथ शहबाज खान कवाल वाम नवा मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी सरकार की बारगाह में हदीया की दर पेश फरमाएं। बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। तू पूजा मन पूजा,
माँ तुम हो। और जब अख्तर रजा खान साहब ने ये शेर लिखा तो आपको फौरन ख्याल आया कि मैंने हुजूर को आसमां की मिसल कहा, हालांकि आप तो बेमिसल हैं। तो साथ ही दूसरा शेर कहा, कहा ए, पहला कहा कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ए शहे वाला, अगर मिसले जमी हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। ये क्या मैंने कहा मिसले समा तुम हो, माज अल्लाह मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात निराली है, शान निराली है। तो हम बात कर रहे हैं झूठ की तबाहकारियों पे। तो हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद अतीब शाकिर साहब मौजूद हैं। आपकी जानी बढ़ूंगा बड़ा दिलचस्प सवाल लेके। वालिदैन बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं बच्चा ही तो है, इसको क्या पता। हालांकि वो बच्चे हमें याद हैं
कि जिनके एक सच ने वो सारे डाकुओं को कुतुबियत के मकाम पे फाइज किया। अल्लाहु अकबर, वाह वाह। तो मैं जानना चाहता हूँ आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। बल्कि बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है और हजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में भी आप लेके जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे माशरे में ये हो चुका है, ऐसे ही है कि हम बच्चे के सामने तो झूठ बोलते हैं बल्कि ये भी कहते हैं अगर कोई मिलने आ गया है तो अंदर से ही अच्छा उसे बताओ कि मैं घर में नहीं हूँ, अंदर से ही झूठ बोल दिया। अब बच्चे की वही आदत या बच्चा जाके बाहर यही कह दे कि बाबा ने कहा है कि मैं नहीं हूँ घर पर, तो ये असरात भी जो हैं, मैं चाहता हूँ कि झूठ के जो असरात हैं इसी में आप इसका। और अरबों का एक मकूला है, एक ज़रबुल मिसल के, उसका तर्जमा ये है कि बचपन में जो इल्म हासिल होता है वो ऐसे है जैसे पत्थर पर नक्श करना कि उसको अब मिटा कोई नहीं सकता, और जवानी का इल्म ऐसे है जैसे पानी पे पानी लिखना। यानी कि बचपन में बच्चा जो चीज़ सीख रहा है वो ऑब्जर्वेशन का उसका दौर है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहदा कर रहा है, वो उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो शामिल हो रही हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में झूठ हलाक करता है। हमें कोई बंदा किसी रास्ते पर हम सफ़र कर रहे हो ना तो कोई बता दे कि ये फलां रास्ते से तुम गुजरोगे यहाँ पर फलाना शिकारी बैठा है, तो हम उस रास्ते से गुजरा नहीं करते। क्यों? हमें मालूम है यहाँ पर शिकारी बैठा है, हमारी हमारे जिस्म को नुकसान हो सकता है, हमारे माल को नुकसान हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाऊं जो सारी कायनात से सच्चा रसूल है। आप इरशाद फरमा रहे हैं लोगों झूठ हलाक करता है। अल्लाह, सारी कायनात के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से पहले, और जब सहाबा इकराम के मजमे में हुजूर ने फरमाया कि झूठ हलाक करता है, हमारे यहाँ जिस तरफ इशारा किया गया ना कि वालिदैन झूठ बोलते हैं बच्चों को कह देते हैं बाहर जाकर बता दो, तो किसी ने कहा था जो माँ की गोद है ना वो पहली दरसगाह हुआ करती है, तो वहीं से इंसान सीखता भी है और बिगड़ता भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों सिर्फ जुबान से जो बोलना है वही झूठ नहीं है, बल्कि गुमान करना भी, बात गुमान भी झूठ की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बात जहन में आएगी फिर ही जुबान पर आएगी ना। इसलिए मेरे करीम ने इरशाद फरमाया झूठे गुमान से भी बचना है। इमाम तिर्मिजी ने से रिवायत किया कि झूठे गुमान से भी बचना है ताकि गुमान झूठा नहीं आएगा तो फिर जुबान भी झूठ से पाक रहा करेगी। बहुत। और इस पे मैं अगर वो ऐड कर दूं जी बुजुर्गों का किस्सा जी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मां से जब इजाजत ली है इल्म हासिल करने के लिए जाना है तो मां ने एक ही नसीहत की, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। अल्लाह। और कुछ दिनार दिए और अंदर कपड़े के अंदर कमीज के अंदर सी दिए, और वो आपकी विरासत थी जो वालिद की तरफ से मिला, आपका हिस्सा था, और आप जब जिस काफिले पे जा रहे हैं उस काफिले पे डाकू आते हैं और डाकुओं ने लूट मार की, सारा काफिला लूट लिया, आपको कुछ नहीं कहा कि एक बच्चा है। ऐसा ही ना तंजन एक डाकू ने कहा मजाक तंज करते हुए, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने कहा हाँ मेरे पास इतने दिनार हैं। तो चूंकि इतने दिनार एक बच्चे के पास होना वैसे ही अकल में नहीं था आता, तो उस बादशाह ने ना अपने उस डाकू ने अपने सरदार को कहा कि बच्चा यूं कहता है। जब डाकू का सरदार आया तो कहा तुम सच कह रहे हो? कहा मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने दिनार हैं और ये देखो मेरी कमीज के अंदर सिले हुए हैं। डाकू ने जब देखा, डाकू हैरान हुआ, उसने कहा बेटा बच्चे अगर तुम आज कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो हम तुम्हें कुछ ना कहते, लेकिन तुमने सच कहकर अपने आप को फंसाया क्यों है? तो बच्चा समझ के छोड़ देते हाँ। अल्लाह अकबर। तो आपने कहा मैंने अपनी माँ को जुबान दी है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो डाकू ये सुन के ना सर सजदे में रखते हैं, कहते हैं हमने भी तो रब का कलमा पढ़ा है ना, रब के हबीब का कलमा पढ़ा है, बच्चा माँ से अहद किया हुआ है, उसकी इतनी पासदारी कर रहा है, और हमने तो रब से अहद किया हुआ है, हम क्यों ना उसकी पासदारी करें। और यहाँ पर मैं यकीनन बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का किस्सा भी जिक्र करूँगा। और अगर माँ बच्चे को सच की तरबियत करे और कभी वाकया कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे ने तो अपनी तरफ से सच कहा लेकिन हकीकत में वो चीज़ नहीं, तो अल्लाह उस सच्चे को झूठा नहीं होने देता। कि जब बाबा जी काफिले में सफ़र किया, नमाज का वक्त आया तो काफिले वालों को कहा नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो काफिले वालों ने कहा नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपने कहा जब सलाम फेरेंगे ना और मुसल्ला उठाएंगे तो शक्कर मिलेगी। अब माँ ने तो आदत डाली थी कि जब आप सलाम फेरते थे तो शक्कर की पुड़िया रख देती थी,
और आप ये समझते थे कि शक्कर ये मिन जानी बिल्ला है। अल खैर जब सलाम फिरा और जाय नमाज उठाई तो शक्कर की पुड़िया नहीं, नीचे तो बहुत सी शक्कर पड़ी हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपने बंदे को झूठा होने नहीं देता। ये सारी सच की बरकत है। और यहाँ पे एक तल्ख जुमला, एक चाइना की कहावत है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। वो कहते हैं कि बच्चा वही झूठ बोलता है जिसकी माँ झूठ बोलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली आपने जैसे कह दिया कि पहली दरसगाह ही बिल्कुल माँ है, तो इंसान जो देखता है, जो सुनता है, वो जो ऑब्जर्वेशन करता है, वही उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो ये तो हकीकी तौर पर हम अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि कम अज़ कम हम जो आपके पास डिस्प्ले है आपका माहौल, वही आपके बच्चे जो देख रहे हैं, वो आज जो बचपन में जो देखेंगे वो उन्हें आखिर तक याद रहे। बेशक। तो कोशिश करें कि उनके सामने अच्छा बोलें, अच्छी गुफ्तगु करें। अगर आप अच्छी गुफ्तगु करेंगे तो उसकी भी वही आदत बन जाएगी। अगर आप कोई बुरी गुफ्तगु करेंगे तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा और वही फिर उसमें अपनाहियत का शिकार बनती जाएगी। सरकार भाई, मैं आपकी इजाज़त से एक जुमला यहाँ कह दूँ कि जब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा आपके सामने सैयद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने जलवे फरमा थे ना, तो सवाली दरवाजे पर आया। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है ना, सवाली दरवाजे पर आए तो उसे क्या दिया जाता है कि यार बाप घर पर नहीं है या हमारे पास असबाब मौजूद नहीं है। जब सवाली दर पर आया ना, तो उन्होंने देखा था सैयदा कायनात ने सबसे पहले अपना खाना उठाकर पेश किया कि सवाली को आता। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। अब माँ की तरबियत थी ना कि माँ ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने करबला की धरती पर थे ना, तो यजीद ने कहा था या बैत करो या सर दे दो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उसे भी खाली नहीं लौटाया था, आपने सर अक्दस दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही इस पर यूं कहें कि इस दर से तो यजीद भी खाली ना गया। हाय 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 हाय। यही बात है कि जब इंसान बचपन में सच बोलता है, और सच बचपन का सच जो होता है वो जैसा कि अलामा साहब ने हजूर सैयदना गौसे पाक सरकार का खूबसूरत वाक़या बयान किया है कि बचपन से ही माँ ने बताया कि बेटा झूठ नहीं बोलना, ये तरबियत थी वालिदा की। और जब इंसान सच बोलता है तो वो वली बन जाता है। बेशक, बेशक। और जब वली सब मिल जाते हैं तो फिर अली बन जाता है। और बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह गुफ्तगू हम इस पर करेंगे। हमारे साथ वज़ीराबाद की सरजमीन से बहुत ही खूबसूरत सना खान मोहम्मद ज़ुबैर अवैसी चिश्ती साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी हजूर की बारगाह में हदिया कीरत पेश करें। लब सोने सोने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने ने, वेखो वेखो मेरे, वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने ने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने ने, अपना बनाई जांदे जिन्नू जिन्नू वेखदे, अपना बनाई जांदे जिन्नू जिन्नू वेखदे, जिन्नू जिन्नू वेखदे, आका दे आनैना वाले तार बड़े सोने ने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने ने, लब सोने सोने, रुख सार बड़े सोने ने, देखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ने, लब
रब सोने सोने रुख सार बड़े सोने ने आख्या फारूक ने सवारी बड़ी सोनी है सवारी बड़ी सोनी है बोले मेरे आका बोले मेरे आका असवार बड़े सोने ने लब सोने सोने रुख सार बड़े सोने ने वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ने लब सोने सोने रुख सार बड़े सोने ने दोतरे रसूल दे ते लाडले बतूल दे दोतरे रसूल दे ते लाडले बतूल दे जनता दे दोवे जनता दे दोवे सरदार बड़े सोने ने लब सोने सोने रुख सार बड़े सोने ने देखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ने लब सोने सोने रुख सार बड़े सोने ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुसन का जिक्र हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसा हुसन अता किया है ऐसा हुसन अता किया है कि जो किसी को ना मिला है और ना किसी को मिलेगा। मेरे इमाम ने कहा कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा के चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे और हमें पूरी कायनात में जितनी ये रानाइयाँ नज़र आ रही हैं जितनी चमक दमक नज़र आ रही है मेरे इमाम बता रहे हैं कि ये चमक दमक मिले कैसी है ये किस तरह सारी कायनात को रंगीनियाँ मिली कायनात को रानाइयाँ मिली। मेरे इमाम कहते हैं वही तो अब तक छलक रहा है और वही तो जोबन टपक रहा है नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। तो यहाँ पे मैं चाहता ये हूँ क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से बढ़ के ना हसी हैं ना जमील हैं उनका जिक्र हो रहा है तो ज़ुल्फ़िकार अली क़मर फरीदी साहिब आप भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में गुलहे अकीदत पेश करें। मैं यहाँ पे एक सूरत कलाम है सुभान अल्लाह सैयदा तैयबा ताहरा पाक बीबी की बारगाह में सुभान अल्लाह उसी के चंद अशआर सुभान नबी आसरा एक कुल जहान दा नबी आसरा एक कुल जहान दा नबी आसरा एक कुल जहान दा नबी कुल जहान दा नबी आसरा कुल जहान दा नबी दया सिरा है मां हुसैन दी खतीजा पेशवा है मां हुसैन
दे कदमा उते और रखे हुसैन से जिदे कदमा उते और रखे हुसैन से ओ साहिबे हया है मां हुसैन दी नबी आसरा नबी आसरा कुल जहान दा ते नाले आसरा है मां हुसैन दी नतीजा आमिना ते हुआ आसिया ते ना दी पेशवा है मां हुसैन दी नबी फखरे अंबिया है मां हुसैन दी नबी आसरा नबी आसरा कुल जहान दा ते नाले आसरा है मां हुसैन दी नबी سبحان اللہ بہت خوبصورت منقبت آپ سماعت کر رہے ہیں تو ناظرین دوبارہ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی تباہ کاریوں پہ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ سارے جھوٹوں کی طرف اشارہ کریں جو معاشرے میں بولے جاتے ہیں اب میں سوال جو لے کے بڑھوں گا علامہ صاحب کی جانب سوال یہ ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کا جو سٹیٹس ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمپاؤنڈر ہے لیکن وہ شہر میں رہا کسی ڈاکٹر کے ساتھ اور گاؤں گیا دیہات گیا اس نے بڑا سا بورڈ چھپوایا اور اس کے اوپر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا لیا اسی طرح ایک شخص وہ عالم نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ وہ علامہ لکھوا لیتا ہے کہ ایک ایسی چیز اپنی طرف وہ منسوب کرتا ہے اور بہت وہ لکھوا لیتے ہیں
अच्छा इस पे, इस पे दो चीजें आएंगी इस पे, मैं इस पे ना एक चीज करूंगा मुझे, अगर किसी अल्लाह वाले किसी को हाजी साहिब का, तो इसे हम झूठ नहीं कहेंगे, हाफिज साहिब का हम झूठ इसे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जुमला बुजुर्गों की तरफ से दुआया जुमला होता है और उनके इस जुमले की लाज रब रखता है और बंदे को हज की तौफीक होती है। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज नहीं थे, आपने ना कि अखबार पे लिखा देखा किसी ने आपके नाम के साथ हाफिज लिखा है, चांद रात थी रमजान का चांद देखना था तो आपके दिल में ख्याल आया अहमद रजा लोग तुम्हें हाफिज समझते हैं और तुम हो नहीं, तो क्यों ना लोग जो समझते हैं तुम वैसे बन जाओ। तो आपने क्या किया, आप मगरिब के बाद कुरान खोलते, उसको याद करते और ईशा के वक्त तरावी में सुपारा सुना देते, और टोटल चंद घंटों में, यानी कि अगर लोग हमें अच्छा समझते हैं तो हमें चाहिए कि हम वैसे बने, लेकिन अगर अपने नाम के साथ कोई खुद लकब लगाए ऐसा जो वो नहीं, तो ये लोगों को धोखा दे रहा है और धोखा देने वाला हम में से नहीं। तो अल्लामा मोहम्मद अतीब शाकिर साहब हमारे नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचाए कि एक आदमी एक ओहदे का अहल नहीं और उस ओहदे की वो अहलियत नहीं रखता, तो वो अपने नाम के साथ ऐसी बातें मनसूब करता है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए, और अगर करता है तो उसके बारे में आप क्या हुक्म देते हैं? जी बड़ा खूबसूरत सवाल रखा कि क्या जो शख्स उसके पास वो ओहदा नहीं है उतनी, गराम साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल रखा कि जिस बंदे के पास उतनी अहलियत नहीं है और वो उसका ऐलान कर रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस हमारा हौसला बढ़ाती है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों आज हमारे यहाँ बिलउमूम झूठ बोला क्यों जाता है, चार दोस्त इकट्ठे हो गए तो खुशगपियों की वजह से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलता है वो गुनाह कबीरा कर रहा है। अल्लाह अकबर। जो लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोले और उसके अंदर झूठ बोलने और वो अहलियत है लोगों को खुश करने वाली, उसके लिए तो मेरे करीम इरशाद फरमाते हैं कि उसने गुनाह कबीरा किया है। तो जिसके अंदर अहलियत ही नहीं है, उसके अंदर वो डिग्री नहीं है, वो पावर नहीं है काम करने की, तो जो वो अगर वो ये कहे कि मैं फलां डिग्री रखता हूँ, तो उसके लिए तो बदरजे औला ये हुक्म आएगा, क्योंकि जिसके पास अहलियत थी लोगों को हंसाने की लेकिन वो झूठ का सहारा ले रहा था, तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया ये गुनाह कबीरा कर रहा है। तो ज़ुल्फ़िकार भाई हम देखते हैं कि मौसम आते हैं तो झूठे ओहदे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे कुर्बानी का सीजन हो जी, तो ये मौसमी कसाई आ जाते हैं और कहते हैं हम कसाई हैं और वो दर्जियों का काम करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और इसी तरह ये रमजान चूंकि दर्जियों का सीजन है और वैसे भी आजकल लॉकडाउन हो चुका है, झूठ झूठ है जी, और झूठ का कोई पाँव नहीं होता। अगर तो बंदा ये समझता है कि वो झूठ का सहारा लेगा तो उसे शायद रिस्क मिल जाएगा, वो किसको धोखा दे रहा है? रज़ाक को धोखा नहीं दिया जा सकता, अल्लाह बेहतर जानता है किसको देना है। मन जदा व जदा, जो जिस तरह की कोशिश करेगा उसके लिए वैसी राह हमवार कर दी जाएगी। मैंने ये बात की है, ये वैसा वाकया हुआ ऐसा कि हमारे ये ईद कुर्बान का दिन था तो वो हम पढ़ के आ गए ईद, हालांकि अभी हम लेट ही आते हैं पढ़ के क्योंकि ईद पढ़ते हैं दरबार शरीफ पर, फिर हम वालदा वालद के मजार शरीफ पर जाते हैं तो वहाँ से फिर हम वापस आते हैं, तो वो टाइमिंग काफ़ी हो जाती है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि हम वापस आए तो जो कसाई जिसको बोला था वो तो आया नहीं, और वो रस्ते चलता हुआ एक कहा हाँ भी तो कसाई है, उन्होंने कहा हाँ जी मैं कसाई हूँ। तो बाद में असल कसाई आया तो उसने बताया कि यह दर्जियों का काम करता है। अब उसने टोके की जगह बखिया मांगा होगा और वो पकड़ा गया होगा। लेकिन वो इंसान क्योंकि मजबूरन झूठ बोलना ये भी तो झूठ ही के जिम्मे में आएगा ना। हजरत मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए ना, तो एक बंदे को मौला अली मुर्तजा ने अपनी सवारी की हिफाजत के लिए खड़ा किया, तो आप फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा किया कि मैं इसको दो दिरहम जाते हुए दूंगा। तो जो सवारी के ऊपर बैठने के लिए औजार होता है जीन, जीन उसे कहा जाता है, तो कहते हैं कि उस बंदे ने जीन उतारी
जाकर किसी दुकान पर बेच दी। मौला अली अल-मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला जब वापस तशरीफ लाए, देखा घोड़ा तो मौजूद है, ऊपर जीन नहीं है जिसको हिफाजत के लिए खड़ा किया था, वो भी मौजूद नहीं था। अब मौला अली अल-मुर्तजा बाजार की तरफ रुख किया तो आपने वही जीन जो आपके घोड़े पर थी, आपने जब उसको देखा तो उस दुकानदार से कहने लगे इसे बेचते हो? तो उसने कहा हाँ मैं बेचता हूँ, मैंने तो बेचने के लिए रखी है। तो रेट तय होने लगा तो उसने कहा मैं 3 दिरहम में सेल करता हूँ। तो मौला अली अल-मुर्तजा ने 2 दिरहम उसका रेट लगाया तो वो कहने लगा ये मैंने 2 दिरहम में ही खरीदी है। तो अली अल-मुर्तजा रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे यार उसका नसीब देखो, हालांकि मैं तो जब मस्जिद में गया था मैंने तो नीयत की थी मैं इसे 2 दिरहम दे दूंगा, अब उसका अपना कसूर है, उसने हलाल तरीके से लेना है कि हराम तरीके से लेना है। और हमारे लिए भी अब यही है ना कि हम झूठ क्यों बोलते हैं यार हमें माल मिल जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो अली अल-मुर्तजा रदी अल्लाह तआला के इस वाक्य से अखज़ होता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। असल में हम मामला अपने रब के सुपुर्द करें तो बात बने ना, हम हर चीज़ अपने हैंड ओवर करते हैं और अपनी अकल के मुताबिक देखते हैं। अब हमारी अकलें महदूद हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारे ज़राए महदूद हैं, जब हमारा मामला रब के सुपुर्द होगा तो फिर रब जिस हाल में रख रहा है, रब बेहतर जानता है मैं किस हाल में हूँ, और रब से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं। हज़रत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा खाना तैयार कराया, और ये उस दौर की बात है जब खाना ख़राब भी नहीं था होता, यानी कि उसके अंदर ऐसा वसफ नहीं था जो उसको ख़राब कर दे। ये तो बाद में जब मनो सलवा नाजिल हुआ, लोगों ने जमा करना शुरू किया और दीगर मामलात हुए तो खाने के अंदर ख़राबी वाला उनसर अल्लाह ने रखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार कराया और इतना खाना तैयार करा लिया, इतना खाना तैयार किया जिन्नात की मदद से कि देखने वाला ये कह सकता था कि अगर सारी मखलूक आकर भी ये खाना खाए तो खाना ख़त्म ना हो। अर्ज़ किया या बारी ताला मखलूक को भेज, मैंने उसकी दावत करनी है। रब ने कहा रिस्क देना सिर्फ मेरा काम है। अर्ज़ किया या बारी ताला रिस्क नहीं देना चाहता, सिर्फ दावत करना चाहता हूँ। तो रब ने कहा एक मछली को भेजता हूँ, अगर उसका पेट भर गया तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी मखलूकात को, बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को भेजूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे देखते ही देखते वो सारा खाना एक ही मछली खा गई। अल्लाह। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू ही है जिसे रिस्क देता है। हम देखते हैं कई दफ़ा आधी रोटी खाई और सैर हो गए, और कई दफ़ा 2 खा लिए और सैर नहीं होते, कि हम कसरत की वजह से सैर नहीं होते, हम रब की बरकत से सैर होते हैं। तो हमें अपनी लगामें जो हैं वो रब के सपोर्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमने झूठ पे काफ़ी डिटेल में बात भी की है और उसके असरात पर हम जाते हुए गुफ्तगू करें जी, कि झूठ बोलने के बाद जो असरात हैं और उसके बाद उसकी तबाहकारी की तरफ इंसान जाता है। बचाऊँगा कि लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो झूठ के जो असरात हैं उस पर थोड़ी सी डिटेल में आप हमारे। जो बंदा एक झूठ बोलता है ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया झूठ तो हलाक करता है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, गुनाह दर गुनाह, एक गुनाह पर फिर गुनाह किए जा रहा है। अब बिलखसूस बिलूम ये तो वतीरा रहा है, हम बिलूम देखने में आता है कि वालदैन जब कह देते हैं, पहले भी इशारा कर रहे थे कि घर में वालिद था, उसने कहा जाओ कोई बंदा जो बाहर आया ना उसे कहो वालिद मौजूद नहीं है। तो इसी तरह जब शुरू यहीं से होगा ना सच बोलना, वालदैन सच बोलना शुरू करेंगे तो औलादें ऑटोमेटिकली सच बोलना शुरू कर देंगी। और हमारे यहाँ बिलूम ये रवाज पाया जाता है कि झूठ को गुनाह भी नहीं समझा जाता है। और साथ इसके असरात ये भी हो सकते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बंदा बोलता है तो इतनी बदबू मुंह में पैदा होती है कि रहमत के फरिश्ते 40 कदम दूर भाग जाते हैं। हम तो शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बनाया, वरना पुरानी उम्मतें अगर कोई झूठ बोलता था तो माथे पर लिखा जाता था झूठा है और ये तेरी सजा है, और जब तक वो सजा उसे नहीं थी मिलती उसके माथे से वो मिटता नहीं था, हटता नहीं था। झूठ बोलने के असरात में से एक असर ये है कि चेहरा जो है वो बेरोनक हो जाता है, उससे वो एक निशान बन जाता था। जो पहली कौमें थी वो जब झूठ बोलती थी तो उनके चेहरों पे बिल्कुल एक निशान काला स्याह बनना शुरू हो जाता था, और फिर इंसान जितना झूठ बोलता जाता है। और झूठ का इससे बड़ा असर क्या होगा कि बंदा अपनों से दूर हो जाता है। लेकिन हम कैसी खूबसूरत सरकार की उम्मत है, हाय हाय हाय, हम पर कितना सरकार का करम है। अगर हम ये सोचें कि हम उस उम्मत उस सरकार की बारगाह में जब जाते हैं और कोई गुफ्तगू करते हैं तो रब्बुल आलमीन हम पे कितना खुश होता है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं और वो उस खूबसूरत
نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہونے کا اعزاز ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اگر ہم یہی سمجھ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہمارے لیے کتنا ہمارا اعزاز ہے نا آقا کریم کا امتی ہونا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اب اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنی امت میں قبول ہی نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جتنے جھوٹ کے عناصر ہیں وہ ہم انہیں جھوٹ سمجھیں یا نہ سمجھیں بالکل اسی پہ ہم جی ڈیٹیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شہباز خان قوال و ہمنوا موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ انہیں کی طرف ہم جاتے ہیں اور قوالی کی خوبصورت روحانی غذا بسم اللہ کیجیے.
अजदर अली वाला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब कलाम शामिल किया। चूँकि वक़्त जो है वो अपने अख्तिताम की जानिब गामज़न है तो मैं ज़िक्र अली हो रहा है बेशक, और ज़िक्र अली करना इबादत है बड़े खूबसूरत अंदाज में। और बात भी हकीकत ये है, मैं यहाँ पे एक बात बरमला कहूँगा कि ये जब सरकार का फरमान है कि जो अली वाले हैं वही दरे नबी वाले हैं, और यकीनन अली का नाम लेते ही इंसान के चेहरे जो हैं वो बता देते हैं कि मन कुन तो मौला अंदर है या नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हम कल दोबारा हाज़िर होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैगाम हमारा यही है कि आज चूँकि हमने झूठ की तबाहकारियाँ उस जाना है और झूठ से बचने की तरगीब दिलाई है, अगर हज़रत अली से मोहब्बत हो जाएगी तो हम झूठ बोलना जो है वो छोड़ देंगे। हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से मोहब्बत करें, और हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की जो मोहब्बत है वो अपनी औलाद को तरबियत के अंदर वो दें। और प्रोग्राम का जो वक़्त है वो अपने इंतहाई इख्तिताम की जानिब आ गया, आखिर में कलाम शामिल करेंगे और कलाम के साथ ही इंशाल्लाह नशरियात का इख्तिताम होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ मोहम्मद कैसर फरीदी साहब, मैं चाहूँगा कि जाते हुए इन्हीं के कलाम से हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मोहम्मद कैसर फरीदी साहब। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से
सारे बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ये क्या है, मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा से है, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं या रसूल का दारो मदार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप।